ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं 12th चैप्टर लास्ट वर्स, दैट इज 12:20। ये तु धर्ममृतम् इदम् यथोक्तम् पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्त्यतीव मे प्रियः। ओके, प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। ओके, लेट्स सी दैट तात्पर्य। आई विल रीड एंड देन एक्सप्लेन। ओम ज्ञानतिर्मिन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाचक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेशा मनोवे माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तू धर्म अमृतम इदम, नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्ति को वह स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने प्रश्न उठाया कि जो निराकार भ्रम के पथ पर लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रमाणिक गुरु बनाता है, तब वह उससे श्रद्धा आसक्ति भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति की आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य को जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद होती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करते हैं, आत्म तथा पदार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त नहीं होती। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद्गीता के बीच के 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं सतह सुलभ हो जाती हैं। ब्यूटीफुल पर्पट, बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ो तो। सो एनी वाइल जस्ट एक्सप्लेन नाउ, प्रभुपाद की जाए। सो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, कंक्लूजन दे रहे हैं अपना, सिर्फ गीता का कंक्लूजन नहीं, हमारी लाइफ का कंक्लूजन कि हमें करना क्या है, गोल क्या है हमारा। सो कृष्णा कह रहे हैं ये तू धर्म अमृतम इदम, ये मतलब होता है जो, कृष्णा कह रहे हैं जो कुछ मैंने बताया अभी तक। तो 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति की चर्चा की और भक्ति, जैसे मैं कल चर्चा कर रहा था, भक्ति क्या है, भक्ति मतलब धर्म अमृतम, दैट्स भक्ति, धर्म प्लस अमृत। सो यस्टरडे वाज टेलिंग 4 स्टेजेस है ह्यूमन लाइफ की, या 5 कर लो, पहले अज्ञान, फिर ज्ञान, फिर विज्ञान, फिर धर्म और फिर
भक्ति। सो जानवर योनि में अज्ञान होता है, अज्ञान भी नहीं, जानवर योनि में अज्ञान होता है, और जो मनुष्य जो जानवर जैसे हैं उनमें विपरीत ज्ञान होता है। सो इट्स नॉट जस्ट इग्नोरेंस, अज्ञान तो इग्नोरेंस है, जानवर को पता ही नहीं, मगर जो मनुष्य जो पशु जैसे होते हैं जिनमें पशुत्व होता है उनमें उल्टा ज्ञान होता है। नेपोलियन, हिटलर और लेनिन, मार दो काट दो, एटलीस्ट जानवर मारते काटते नहीं है, न्यूट्रल रहते हैं ना, अच्छा ना बुरा, यहां तो उल्टा ही कर रहे हैं। सो एक वो स्टेज है जिसमें अज्ञान या विपरीत ज्ञान होगा, उससे ऊपर है स्टेज ज्ञान की, जिसमें जो ह्यूमन लाइफ ज्ञान से शुरू होती है, कल मैं समझा रहा था। सो असली ज्ञान वो है जो हमें भगवान के पास पहुंचाए, वो ज्ञान ज्ञान ही क्या जो हमें संसार में खो जाए, जिस ज्ञान से हम संसार में खो जाए, आसक्तियों में बन जाए और कर्म के बंधनों में जकड़ जाए और संशयों में फंस जाए, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो तो ज्ञान है। सो दैट नॉलेज अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां से शुरू हुई ह्यूमन लाइफ, मगर इसके बियॉन्ड है विज्ञान। जब आप इस ज्ञान को अप्लाई करोगे सोसाइटी में, पर्सनली अपनी लाइफ में, आचार में, व्यवहार में लाने की कोशिश करोगे, यही समझ लीजिए कि माइंड के लेवल से वर्ड के लेवल में ला रहे हो। ज्ञान तो मन में आपके, थ्योरी नॉलेज थ्योरी, मगर विज्ञान रियलाइजेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में है, तो आप इस संसार में अप्लाई कर रहे हो उसको विद दिस स्टफ, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर पीपल। तो जब ज्ञान जैसे आटा और पानी, आप रोटी मन में भी बना सकते हो सोच के, आटा पानी मिलाओ हो गया, मगर असली में कुछ नहीं हो रहा। असली में फिर आप आटा लोगे, पानी लोगे, उसको गूंदोगे, तब जाके बनेगा। सो ज्ञान इमेजिनेशन है और विज्ञान एप्लीकेशन है। सो बिना विज्ञान के ज्ञान निंदनीय भी होता है, नहीं? जो आप जानते रहोगे जानते रहोगे जानते रहोगे, फिर कहेंगे कुछ करना धरना भी है नहीं, जानते ही रहना है नहीं। और जो सिर्फ ज्ञान में बिलीव करते हैं और विज्ञान में बिलीव नहीं करते, तो वहां से प्रकट होती है स्कॉलरशिप, फिलॉसफी, नहीं, थियोलॉजी, थियोसॉफी, ये सारा सारा सिर्फ ज्ञान के लेवल पे चलता है, बैठे बैठे बस थ्योरी बनाते रहो। और इसीलिए कई और फिलॉसफीज आई, कार्ल मार्क्स आया, उसने कहा कम्युनिज्म, उसने कहा बकवास है, बैठे बैठे करते रहते हो, कुछ करना वरना है नहीं, कम्युनिस्ट। सो विज्ञान, विज्ञान के बिना ज्ञान अधूरा है, इनफैक्ट निंदनीय भी है। सो अगर आप गीता पढ़ते रहोगे कुछ करोगे नहीं, प्रभुपाद नहीं बोला ना कि भाई तुम गीता डिवोटी से गीता पढ़ते रहते हो, शास्त्र पढ़ते रहते हो, कुछ करके दिखाओ भगवान के लिए। प्रभुपाद हमेशा डिवोटीज के पीछे थे, डू समथिंग फॉर कृष्णा। क्यों? क्योंकि सिर्फ नॉलेज लेना बिना एप्लीकेशन के आफ्टर सम टाइम अच्छा नहीं लगता, नहीं? सो विज्ञान, विज्ञान के नेक्स्ट स्तर पे है। सो ज्ञान इज क्या कहते हैं, इमेजिनेशन और नॉट इमेजिनेशन बट नॉलेज, एंड विज्ञान इज एप्लीकेशन। और फिर उसके बियॉन्ड होता है धर्म, जो यहां पे शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ये तू धर्म, धर्म धर्म होता है जब आप विज्ञान को अप्लाई करोगे फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, वो धर्म हो गया, हित के लिए वो धर्म है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के हेल्प के लिए, नहीं? सो धर्म। और जब धर्म में आप अमृत मिला दो, जब वही धर्म हम इस तरह प्रैक्टिस करें कि दूसरों के केवल हित नहीं हो मगर आनंद मिले दूसरों को, तो वो उसको कहते हैं भक्ति। बस ये तू धर्म अमृत अमृतम, इसलिए कृष्णा सिर्फ धर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे, धर्म अमृत कर रहे। सो या यूं समझ लीजिए, जो ज्ञान अप्लाई किया जाता है उसको कहते हैं विज्ञान, जो विज्ञान दूसरों के हित के लिए किया जाता है उसको कहते हैं धर्म, जो धर्म दूसरों को आनंद देने के लिए किया जाता है उसको कहते हैं भक्ति। सो दैट्स भक्ति, इसलिए कृष्ण कह रहे सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, इट्स सो नाइस। ये जो जितने भी हम डीटी वर्शिप, कीर्तन, श्रवण, प्रेयर्स,
और वंदनम कर रहे हैं, डांसिंग, म्यूजिक, ये सारा हम अप्लाई तो कर रहे हैं धर्म। गोलोक में भगवान की लीलाएं क्या है? अगर लीलाएं पढ़ोगे कृष्ण की, गोपी का नाच रहे हैं, यशोदा माँ के साथ डर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, वो क्या है? वो धर्म इन एक्शन है। वो नॉट जस्ट धर्म इन एक्शन, मगर इस तरह धर्म को भगवान प्रैक्टिस कर रहे हैं कि दूसरों के लिए भी हैप्पी आनंददायक हो जाए, अपने लिए भी आनंददायक। इसलिए असली प्रैक्टिस धर्म की वैष्णवी करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही किया जिसमें हैप्पीनेस नहीं है। नहीं, आपको मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूं मगर बहुत बोर हूं, उस प्रैक्टिस का कोई फायदा? तो जितने भी धार्मिक लोग होते हैं ना, काशी में, बनारस में, पंडित लोग को धर्म तो करते हैं मगर कट्टर बन जाते हैं। देखा नहीं देखा? कट्टर बन जाते हैं। तो कट्टर बनने से उनका हृदय कठोर हो जाता है और फिर दूसरों को मारते हैं, खुद मरते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। मगर वैष्णवता में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो धर्म दूसरों के आनंद के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। एंड देयर इज अ डिफरेंस, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण और वैष्णव। सो ब्राह्मण धर्म पालन करता है केवल हित के लिए, कट्टर हो जाता है, मेरी ओपिनियन ठीक है, इससे हित होगा, ये धर्म है, उसकी गलत है क्योंकि उससे अहित हो रहा है। मगर डिवोटी ऐसा नहीं है। डिवोटी इस तरह प्रैक्टिस करेगा कि दूसरों को हैप्पीनेस मिले, उसको भी हैप्पीनेस मिले। दैट्स इसलिए कृष्ण धर्म अमृतम इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, धर्म नहीं कर रहे, धर्म अमृतम, या यूं कह लीजिए कि धर्म प्रैक्टिस करके अमृत की प्राप्ति होती है। ये भक्ति है। भक्ति की कला ऐसी है कि आपको धर्म को प्रैक्टिस करना सिखाएगी, इस तरह की अमृत की प्राप्ति होगी। और यहां पे अमृत क्या है? सुख, शांति, संतुष्टि, ब्लेस, रस, जो प्रभुपाद इस्तेमाल कर रहे हैं। सो भक्ति है। सो वो भक्ति भक्ति का जिससे आनंद नहीं आए, व्हाट्स द पॉइंट? वो भक्ति भक्ति नहीं है, वो भक्ति भक्ति का जिससे आत्मा में आह्लाद नहीं हो, या आत्मा सुप्रसिद्धि, जिससे आत्मा पूरी संतुष्ट ना हो। वो तो फिर आप कुछ कर रहे हो मगर भक्ति नहीं कर रहे, नहीं। सो जैसे वो अमृत अमृत ही क्या जिससे आप जीवित ना हो जाओ, वो फायदा ही क्या उस अमृत का? या वो मेडिसिन मेडिसिन ही क्या जिससे आप ठीक ना हो? सो उसी प्रकार वो भक्ति भक्ति का जिससे आपको आनंद ना आए और भगवान में आसक्ति ना हो जाए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि असली भक्ति वो है, अगर सही से भक्ति कर रहे हो, सिर्फ शैडो भक्ति में नहीं हो, तो सिर्फ भक्ति की परछाई में नहीं हो, असली भक्ति कर रहे हो, तो इमीडिएटली ततक्षणात इमीडिएटली हैप्पीनेस आएगी, इमीडिएटली। महाप्रभु भी कह रहे हैं, नहीं क्या है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम श्रेया का रिवा चंद्र का वितरणम, इमीडिएट हैप्पीनेस है। आप खिड़की खोलोगे, इमीडिएट सनलाइट अंदर आएगी। क्या कोई, क्या एक सेकंड डिले होता है? हाफ सेकंड डिले होता है? डिले नहीं होता, नैनो सेकंड भी डिले नहीं, मतलब हमें पता ही नहीं लगेगा। खोलोगे, सीधा सनलाइट अंदर है। तो ऐसी जैसे ही आप चैंटिंग करोगे मगर सही से, विद क्वालिटी और बिना अपराध के, जैसे ही चैंटिंग करोगे वैसे ही आपको अमृत की प्राप्ति होगी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं यथोक्तम परि उपासते, यथा उक्तम, यथा मतलब क्या होता है? जैसे ही, जिस तरह से, जैसे, यथा उक्तम, जिस तरह से मैंने बताया है, अगर उस तरह से एज इट इज आपने फॉलो कर लिया तो यथा मतलब होता है कि बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के, यथारूप। हमारे माइंड में कहीं डाउट्स आएंगे, है नहीं, हम सोचेंगे पता नहीं यार ये नाम लेने से क्या होगा, या लेक्चर सुनने से क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं, नहीं, कभी 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 सोचते हैं ज्यादा सुनने से क्या होगा। अब सब सुना तो हुआ है, ऐसा भी होता है, होता है, नहीं होता है, कभी कभी मन नहीं करता। सो डाउट्स आते रहते, या कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कर तो सब कुछ रहे मगर कुछ हो नहीं रहा, या कभी कभी डाउट आता है भगवान की प्राप्ति होगी भी नहीं होगी, कर तो रहे हैं, भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लाइफ परफेक्ट होगी नहीं होगी, ये सारे संशय जो हैं, जब आप एक साइड रख दोगे, डस्टबिन में डाल दो, उसको कहते हैं यथारूप, यथोक्तम, जिस तरह मैंने बताया है।
और ये डाउट्स कैसे हटेंगे वो हम बाद में बात करेंगे, मगर जब बिना डाउट्स के हम कर लेंगे सब कुछ, एक्सेप्ट कर लेंगे, परी उपासते, बिना डाउट्स के उपासना करेंगे। उपासना मतलब कि परी उपासते शब्द कैसे आया है, परी प्लस उपासते मतलब होता है या फॉलोइंग डिवोशन, डिवोशन भक्ति करना, उपासना, कीर्तन श्रवणम जो भी है, मगर जब इसमें परी लगा देते हैं तो क्या बन गया, तो परी क्या है इसमें, क्या है उपसर्ग, उपसर्ग हो गया ना, परी पहले लगाया ना शब्द के, उपासना के पहले, उपासना मतलब भक्ति और परी मतलब उसके पहले लगा दे, तो परी उपासते का मतलब है प्रभुपाद के, परी मतलब जब भी लगाते हैं इसका मतलब है पूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से, बिना किसी डाउट के, पूरी तरीके से, कहने का मतलब है जब हम भक्ति बिना किसी संशय के और सिंसियरली जितनी शक्ति है उतना लगा दो, अपने अपने लेवल पे, अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप गिलहरी हो तो छोटे पत्थर उठा लो, हनुमान हो तो बड़े पत्थर उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट सिंसियरिटी, दैट्स ऑल। अगर ऐसा करोगे दो चीजें के साथ सो तब अमृत की प्राप्ति हो जाएगी इमीजिएट, इमीजिएट। अगर नहीं हो रही तो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है, या तो आप यथोक्तम फॉलो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं डाउट है, या सिंसियरिटी में कमी है। सो डाउट कब आते हैं, जब नॉलेज नहीं होती, इसका मतलब है नॉलेज लो, सुनो अभी, एक डाउट होते हैं और दूसरे होते हैं नेगेटिव थॉट्स, वो भी होता है, तभी संशय और विपरीत ज्ञान, नहीं उल्टे थॉट्स भी होते हैं। सो अगर उल्टे थॉट्स आ रहे हैं और उल्टे थॉट्स की वजह से डाउट्स आ रहे हैं तो यू हैव टू लिसन नाउ, आपको सुनना पड़ेगा भगवान के बारे में, या जो डिवोटीज कह रहे हैं भगवान के बारे में वो, और सिंसेरिटी अगर बढ़ानी है वो उसमें कमी नजर आ रही है, सो सिंसेरिटी कम होती है लेजीनेस की वजह से, और कुछ नहीं है। मनुष्य में सबसे बड़ा अवगुण है आलस्य, सबसे बड़ा अवगुण काम वासना नहीं है या क्रोध नहीं है, वो हमें लगता है, सबसे बड़ा अवगुण है आलस्य, आलसी हम लोग, और उससे सारे अवगुण आ जाते हैं, दैट्स ऑल। अगर सिंसेरिटी में कमी लग रही है तो कोई आलसी है, प्रॉब्लम है कहीं, क्योंकि कोई आपको नहीं रोक रहा भगवान के पास जाने से, हम ही अपने आप को रोके जा रहे हैं बस। और ये कहावत भी है, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, नहीं है नहीं है। सो जैसे कई लोग कहते हैं कि भी, कई डिवोटीज होते हैं कहते हैं प्रभु, एक डिवोटी थे मुझसे कहते थे मंगल आरती में नहीं उठते थे, सो मैंने पूछा क्यों नहीं उठ रहे, कहते हैं प्रभु सिर में दर्द होता है, होता है कहीं कहीं होगा, होता है किसी याद, होता भी होगा, सो मुझसे कहते सर में दर्द होता है, सो मैंने कहा चलो ठीक है, दैट्स ओके, हो सकता है, मगर मैंने उनसे पूछा ठीक है अच्छा बताओ कि अगर अगर आपकी वाइफ बीमार हो जाए और सुबह डॉक्टर 5 बजे का अपॉइंटमेंट दे तो लेके जाओगे नहीं जाओगे, तुझे सर दर्द हो चाहे कुछ भी हो लेके जरूर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, सो क्यों, सो पॉइंट है कि भगवान के लिए हम आलसी हैं, अपने लिए बहुत उत्साहित है, ये कलयुग का सिम्टम है, सुमंद मंद मतयो मंद भाके उपद्रिता, विकास इस तरफ हो जाओ, वो देख नहीं पा रही, मंद सुमंद मतयो मंद, व्यासदेव कह रहे हैं इस कलयुग में लोग मंद होंगे, मंद मतलब लेजी होंगे, मतलब भगवान की सेवा के लिए लेजी होंगे, दूसरों के हित के लिए लेजी होंगे, अपने लिए सुपर एक्टिव होंगे, ऐसा नहीं है वैसे लेजी होंगे, अपने लिए सुपर एक्टिव होंगे, इसलिए कह रहे हैं मंद लेजी, दैट्स ऑल। और उसकी वजह से, उसकी लेजीनेस की वजह से सिंसियरिटी नहीं आ पाती, सो लेजीनेस हटानी है तो क्या करना है, अगर ये हट जाएगा सारे अवगुण हट गए, ये हटानी है तो क्या करना है, या कभी आप लेक्चर में बैठे हो तो लेक्चर में बोर होंगे, नींद आएगी, वो उस एक फिजिकल लेजीनेस है, एक मेंटल लेजीनेस है, नहीं इनर्शिया होता है, मेंटल इनर्शिया, मेंटल इनर्शिया है, मजा नहीं आता सुनने में, ये नहीं। सो अगर आपको आपको कभी लेक्चर में नींद आ रही है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप देख सकते हो ठीक है ओके, लेक्चर में नींद आ रही है आप उठो जाओ रूम में और कुछ व्हाट्सएप पे देखने लगो,
नींद उड़ जाएगी, देखना इमीडिएटली नींद उड़ जाएगी। सुबह नींद असली नींद नहीं है, ऊपर बैठना, ऊपर बैठ जाओ, दैट्स ओके, हाँ पीछे। सो वो असली नींद नहीं है, वो असली नींद होती तो व्हाट्सएप पे भी देख के नींद आती, वो मेंटल इनर्शिया है। सो अगर लेजीनेस खत्म करनी है तो क्या करें? अगर लेजीनेस खत्म कर दी सब कुछ सही हो गया, और उसको खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। डाउट्स आप खत्म कर सकते हो बुक्स पढ़ के, नॉलेज लेके घर में बैठ के, मगर लेजीनेस आप घर में बैठ के खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए वैष्णव संघ लेना पड़ता है, और रोज, वरना धीरे 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 लेजीनेस आ जाती है। कंपनी में भी ऐसे होता है ना, कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट में मीटिंग्स होती रहती हैं, होती रहती नहीं, होती रहती हैं, देखा है? एक मीटिंग आपके वहां पे भी मीटिंग होती है स्कूल में, कुछ कॉर्पोरेट में बहुत होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट में चैलेंज बहुत होता है, नहीं गोल्स होते हैं, एंड्स होते हैं, इन महीने में इतना क्या कहते हैं उसको, हाँ या तो उसके लिए मीटिंग्स करते रहते हैं वो, क्यों? क्योंकि साथ में मिलते हैं तो एंथुसियाज्म आता रहता है, वो कर रहा है, इसको कर रहा है, फिर बताते हैं देखो इसने इतना किया, इसने कितना किया, तो मजा आता है नहीं सुनने में, तो लगता है कि हम भी करेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी और कुछ नहीं है। सर तो घर में बैठे हो तो क्या होगा? तो किसको देख रहे हो आप? अपने मदर को, अपने फादर को, अपनी वाइफ को, या वो सो रहे हैं, हम भी सुनाते हैं। वो लेजीनेस धीरे 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 आ जाएगी आपके, आपको पता भी नहीं लगेगा, और एक महीने बाद आप देखोगे आप वहां से यहां हो, और फिर ऊपर नहीं उठ पाओगे। फिर एक बार नीचे आ जाते हैं ना तो ऊपर उठना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार माइंड में लेजीनेस या डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन आ जाए, फिर उससे निकलना असंभव हो जाता है। किसी की हेल्प चाहिए, हेल्प के बिना आप नहीं कर पाओगे। नहीं, कुएं में गिर गए तो खुद निकल सकते हो? नहीं निकल सकते। आप कितनी जंप मार लो नहीं आ पाओगे बाहर, बाहर नहीं आ सकते आप। जंप मार के देख लो, अब कोई चिल्लाना पड़ेगा, फिर ऊपर से रस्सी डालेगा, तब उठाएगा, तब निकलोगे। सो ऐसा ही है। सो सिंसियर बनना है, सो डिवोटी से एसोसिएट करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। डिवोटी से एसोसिएट नहीं करोगे आप, नॉलेजेबल जरूर बन सकते हो, सिंसियर नहीं बन पाओगे बस। और हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस में भी, जो लोग घर में रहते हैं, काफी स्कॉलरली भी होते हैं ऐसे लोग, जो घर में रहकर पढ़ते हैं बुक्स, प्रभुपाद की सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, स्कॉलरली हो जाते हैं, मगर सिंसियर नहीं हो पाते। और कई लोग वैष्णव के संग में रहते हैं, स्कॉलरली नहीं होते मगर सिंसियर हो जाते हैं। सो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यथोक्तम या परियुपासते? स्कॉलरली ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सिंसियरिटी, क्या कहते हो? कितने लोग सिंसियरिटी कहते हैं, कितने लोग स्कॉलरलीनेस कहते हैं, कितने लोग दोनों कहते हैं? सो क्या इंपॉर्टेंट है? अगर चूज करना हो तो पहले सिंसियरिटी चूज कर लो, क्योंकि अगर सिंसियर नहीं हो गए तो स्कॉलर भी नहीं बन सकते। सिंसियर नहीं हो गए तो आप क्या बन जाओगे? आप पंडित बन जाओगे, मगर वैष्णव नहीं बनोगे। पंडित इन द सेंस ऑफ आजकल के पंडित, गीता की सेंस में पंडित नहीं। सो और ऐसा हुआ भी है, मतलब हमने कई डिवोटीज देख लिए, हमारे राजपुरा में कई डिवोटीज आ गए, चले गए, इनको बहुत कुछ आता था मगर क्योंकि सिंसियर नहीं हो पाए, वैष्णव संग नहीं लेते थे, तो घर चले गए वापस, है नहीं, सिंसियर नहीं हो पाए। और प्रभुपाद के कितने डिसाइपल्स हैं, मतलब वृंदावन में प्रभुपाद के डिसाइपल थे, अब शरीर छोड़ दिया, प्रभुपाद ने उनको ऑर्डर दिया था कि तुम कुकिंग करो वैष्णवों के लिए, पूरी लाइफ उन्होंने कुकिंग की। वो घोड़े डिवोटी थे ना जो वृंदावन में, जो पुजारी, जो हेड, वो कुकिंग पूरी लाइफ, दिन रात कुकिंग करते रहे, कुकिंग करते रहे, कुकिंग करते रहे, और बहुत सिंसियरली, ऑफकोर्स उनको ज़्यादा टाइम स्कॉलरली करने का नहीं मिला, मगर सिंसियरली करते रहे, करते रहे, करते रहे, और ही वॉज अ वेरी नाइस डिवोटी, सारे डिवोटीज उनको प्रेस करते थे, एंड 40-50 ईयर्स ही सर्व द मोमेंट, और लाइफ के एंड तक एनी लेफ्ट इज बॉडी इन वृंदावन, भगवान का नाम लेते हुए चले गए बस भगवान के पास। जैसे भी कई डिवोटीज हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, कई डिवोटीज हैं जो कि पूरी लाइफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं, वो सिंसियर है वो। सो भगवान को सिंसियरिटी पसंद है, नहीं, दैट्स अ फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग।
सिंसियर होने से फिर अपने आप शास्त्र समझ आने लगेंगे, स्कॉलर भी बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बिना सिंसियरिटी के अगर शास्त्र समझना चाहोगे तो भक्त की जगह असुर बन जाओगे, ऐसा भी होता है। यही गीता आपको असुर भी बना सकती है, जो भक्त भी बना सकती है, सेम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सिंसियर नहीं होगे, आप प्योर नहीं होगे, प्योर नहीं होगे और नॉलेज ले लोगे तो अहंकारी बन जाओगे, और अहंकारी बन गए तो क्या है वो भक्ति में ठाकुर लिख रहे हैं सॉन्ग, कृष्णा तारे त्यजे, क्या वो सॉन्ग नर्तम दशा का क्या है, कृष्णा तारे त्यजे, कृष्णा उसको त्याग देते हैं, ऐसे लोगों को त्याग देते हैं। क्योंकि अहंकार में फिर वो फिर वैष्णव अपराध होने लगते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उससे। और एक बार वैष्णव अपराध हुआ तो कृष्णा ने फिर नहीं देखते, फिर चाहे आप ABCD हो चाहे दुर्वासा मुनि हो, सबकी बैंड बजेगी। नहीं, दुर्वासा मुनि की बैंड बज गई, बस वो स्कॉलरली चक्री उनके पीछे पड़ गया। मैंने कहा भैया इसको तो मार के रहेंगे। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट, इसलिए फर्स्ट इज सिंसियरिटी, नेक्स्ट इज स्कॉलरलीनेस। पहले क्या जरूरी है, अगर आप शादी करना चाहते हो किससे करोगे, औरत से या उसके आभूषणों से, क्या चाहिए आपको, औरत चाहिए या पहले उसके उसके गोल्ड चाहिए या चाहिए, पहले तो शादी करने के लिए स्त्री चाहिए ना, फिर अगर वो सच के आए तो सोने पे सुहाग है। तो ऐसे ही है, सिंसेरिटी इज लाइक फीमेल और स्कॉलरलीनेस इज लाइक ऑर्नामेंट्स, जिसमें है बहुत अच्छा है सोने पे सुहाग है, जिसमें नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट सिंसियर रहो, सिंसियर रहो। यथोक्तम परियोपासते शब्दधाना मत परमा। अब कृष्णा कह रहे हैं यू कैन सिट देयर इन दैट रूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रद्धाधाना मत परमा। कृष्णा कह रहे हैं अब पॉइंट ये है कि सिंसियर बनना भी थोड़ा मुश्किल होता है, स्कॉलरली बनना तो और मुश्किल है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्या करें क्या, मतलब पॉइंट क्या है। कृष्णा उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, श्रद्धाधाना मत परमा, सेम सॉल्यूशन। मत परमा मतलब मुझ परमेश्वर को सब कुछ मानते, मत परमा मतलब मेरे ऊपर, मत परमा का मत मतलब होता है मुझे, मैं, परमा मतलब होता है परम, मुझे परम मानते हुए। यह मत परमा का एक और मतलब है जो पूरी तरह मुझ पे आश्रित है, मत परमा जो मुझे परम मान रहे हैं। ऐसे डिवोटीज के साथ श्रद्धा के साथ संग करने से सिंसियरिटी भी आएगी, स्कॉलरलीनेस भी आएगी। कृष्णा सॉल्यूशन ही दे रहे, ओके, यू वांट टू बी सिंसियर, यू वांट टू बी स्कॉलरलीनेस, यू वांट टू हैव नॉलेज जिससे कि आपको भक्ति का ब्लिस मिले, तो क्या करना है, श्रद्धा धाना मत परमा, श्रद्धा के साथ मेरे भक्तों के साथ एसोसिएट करो, विथ फेथ, श्रद्धा धाना। तो श्रद्धा धाना वर्ड पता है क्या है, ये श्रद्धा नहीं है, ये वर्ड है श्रद्धा धाना। इसका मतलब क्या है श्रद्धा धाना का, श्रद्धा धाना श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा धाना होता है श्रद्धा के साथ, सो देयर इज अ डिफरेंस। कृष्णा कह रहे हैं श्रद्धा के साथ मेरे डिवोटी का संग करो, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो मेरे डिवोटीज कह रहे हैं उस पर डाउट मत करो, उसको फॉलो कर लो, बस जस्ट फॉलो इट। चाहे तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा लॉजिकली, लॉजिक मत भिड़ाओ शुरू में, लॉजिक भिड़ाओगे शुरू में तो फंस जाओगे, तो फॉलो नहीं कर पाओगे। तो कई बार हम वैष्णव या गुरु कुछ कहते हैं हमें समझ नहीं आता, कई बार समझ नहीं आता, नहीं कई बार लॉजिकल लगता है, कई बार ऐसा भी लगता है कि फंसा दिया हमें, ऐसा लगता है ये देखिए एडवाइस कर दी उल्टा ही हो गया, कभी कभी ऐसा भी लगता है, मगर ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, ऐसी बुद्धि नारकीय बुद्धि है, यू आउट। अगर गुरु ये भी कह दें कि जाके मर जाओ तो मर जाना चाहिए, ये तो छंडक उपनिषद में सब जगह लिखा है, छंडक उपनिषद में वो नहीं आती कथा कि उसके गुरु ने कहा कि जाके जाओ खेत में और खेत में पानी लीक हो रहा है, वो टूट गई थी, वो नहीं होती, क्या कहते हैं उसको खेत का, क्या कहते हैं उसको, मेंढ, वो टूट गई थी तो सारा खेत, बारिश हो रही थी तो सारा पानी आ रहा था, खेत खराब आ था, तो गुरु ने कहा रात को 2 बजे भैया जाके उसको बंद करके आओ, उसने बहुत कोशिश की बंद करने की, हुआ नहीं बंद, तो उसने क्या किया, वो वहीं लेट गया, खुद ही लेट गया, और सुबह जब गुरु आए तो वो मरा हुआ था,
डेड, कहते ठंड में और उसमें मर गया हो, मगर उसके गुरु बहुत पावरफुल थे, उन्होंने मंत्रों से उसको जीवित किया और जीवित हो गया तो उसने प्रणाम किया, उसने कहा आप बहुत महान है। तो गुरु ने कहा मैं महान नहीं, तुम महान हो, ये मंत्र मैंने और लोगों के लिए भी पढ़े मगर वो जीवित हुए ही नहीं, मंत्र फेल हो गए मगर तुम जीवित हो गए। क्यों? क्योंकि तुम में श्रद्धा थी। मैंने मंत्र बोला मगर तुम्हारी श्रद्धा ने उस मंत्र को एक्टिवेट कर दिया। मेरे मंत्र बोलना एक बात है, जो मैं बोल रहा हूं बात पर, मगर जो रिसीव कर रहा है वो भी एक बात है, तुम्हारी श्रद्धा ने उसको रिसीव कर लिया इसलिए तुम जीवित हो गए। सो तुम महान हो, मैं महान नहीं हूं। इसलिए कह रहे हैं श्रद्धा धाना, श्रद्धा के साथ, दैट श्रद्धा के, एक्चुअली श्रद्धा धाना मतलब होता है, ये एक्चुअली संस्कृत में ना फ्रीक्वेंटेटिव है। जब भी आप किसी चीज को, जैसे आप मान लीजिए बोलो पानी पीना है, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है पानी पीने की इच्छा से पानी पीना है। दोनों में फर्क है या नहीं? फर्क नजर आ रहा है? एक तो पानी पी रहे हो, एक जब बहुत प्यास लगे तो पानी पी रहे हो। दोनों में फर्क है नहीं? वैसे पानी पियोगे तो ऐसे पी जाओगे, बहुत प्यास लगेगी तो गट 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 इकट्ठा ही पूरा पी जाओगे। सो श्रद्धा धारणा फ्रीक्वेंटेटिव है, इस शब्द में इच्छा है। श्रद्धा ऐसे भक्तों का संग करने की इच्छा होनी चाहिए, प्रगाढ़ इच्छा, जैसे प्यास लगती है तो पानी की इच्छा होती है, इस तरह से संग करना चाहिए भक्तों का। दैट्स व्हाट इन दिस वर्ड श्रद्धा धाना का मतलब है, श्रद्धा के साथ, इतने लोभ के साथ, इतनी इच्छा के साथ, यस मैं डिवोटी का संग करूंगा। और अगर लोभ के साथ संग करोगे तो हर शब्द आत्मा में चला जाएगा, और ऐसे ही संग करोगे आके चलो सुन लेते हैं तो आधा जाएगा आधा नहीं जाएगा, आधा बाउंस बाउंस ऑफ हो जाएगा, भूख लगेगी तब खाने में मजा आएगा ना। ऐसे ही जब इच्छा होगी समझने की तब सुनने में मजा आएगा और तब आप ग्रहण भी करते रहोगे। सो दैट्स द आइडिया, श्रद्धा धाना मत परमा, ये सॉल्यूशन है। सो वी आर जस्ट एसोसिएट। जब भूख लगती है ना तो आपके सामने कोई कुछ भी रख दे, चाहे पेस्ट्री रखे चाहे सूखी रोटी, आप खा जाओगे है नी? फिर लॉजिक लगाओगे तो सूखी रोटी यार ये डाइजेस्ट होगी नहीं होगी, आयुर्वेद चेक करते हैं। फिर आयुर्वेद कुछ नहीं चेक करोगे, सूखी रोटी डाइजेस्ट नहीं होती, घी भी होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल अगर बहुत भूखे हो तो चेक करोगे इसमें टमाटर है इसमें नहीं है, खा जाओगे बस आप। सो ऐसे ही जब बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत इच्छा के साथ भक्तों का संग किया जाता है, पूर्ण श्रद्धा के साथ, तो फिर लॉजिक नहीं लगाया जाता, फिर जो कहते हैं वो कर लेते हैं बस, क्योंकि हमें पता है कि जो वो कहेंगे हो सकता है कि अभी हमें अच्छा नहीं लग रहा हो मगर लॉन्ग रन में हमारे लिए बेनिफिट होगा। हम अपने एक्सपीरियंस से समझ नहीं पाएंगे ना उस चीज़ को, समझ नहीं पाते हम लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस से, मगर जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो समझ जाते हैं। सो जैसे बच्चा समझ गया कि गुरु ने बोला है भैया जाके लेट पानी रोक दो, वो लेट गया, अब वो लॉजिक लगाता तो फिर वापस आ जाता नहीं। गुरु से बोलता भैया देखो खेत खराब हो जाते हैं इसलिए मैंने बहुत कोशिश की, हुआ नहीं और तो कुछ कर नहीं सकते मैं आ गया, वही डेंट अप्लाई लॉजिक, मतलब यू शुड बी हाईली इलॉजिकल वहां पर लेटने के लिए है नहीं। लॉजिक साइड में रखना पड़ेगा, लेट के मर जाएंगे तो लॉजिक से आप नहीं कर सकते वो एक्टिविटी, वो हो नहीं सकती। इसलिए कह रहे श्रद्धा धाना मत परमा, दिस वर्ड श्रद्धा धाना मीन्स विदाउट लॉजिक। इसका मतलब नहीं है कि हम लॉजिक लगाते नहीं, मगर पॉइंट ये है कि अगर फेथ से फॉलो करोगे तो लॉजिक अपने आप आ जाएगा, बाद में समझ आ जाएगा। फॉलो करने से लॉजिक आ जाता है, पहले नहीं आता है नी। जैसे बच्चे को मैथ सिखाते हैं उसको समझ ही नहीं आती मैथ्स, कैलकुलस ये क्या चल रहा है, तो टीचर कहती है चलो जो मैं कह रही हूँ ऐसे सॉल्यूशन करते रहो, करते 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 उसको लॉजिक समझ आ जाता है नी। शुरू में नहीं आता, शुरू में तो टीचर कहती रट्टा मार लो, ठीक है। इसलिए तो हम बचपन में हम CBSE की बुक्स लाते थे तो उसके साथ कुंजी भी आती थी, पता है ना, कुंजी अभी भी आती है, कुंजी आती थी, वो MBD क्या था MBD है ना, मैंने कभी नहीं किया, मेरे को गंदी लगती थी कुंजियाँ, मगर सब करते थे MBD की। सो समझ नहीं आ रहा फिर भी रट्टा मार लेते थे, मगर रट्टा मारते 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 फिर समझ आने लगता था,
अरे तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ऐसी भक्ति है बस, श्रद्धा धाना मत परमा, फॉलो फॉलो इट। अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या कृष्ण कह रहे हैं, भक्तास्ते अतीव मैं प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय ऐसा भक्त? क्योंकि कृष्ण को पता है अगर कोई ऐसे करेगा तो उसकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। नहीं सो एक पिता अब देखना चाहते हैं कि उसका पुत्र सक्सेसफुल हो, तभी तो पिता को अच्छा लगता है। और ऐसा पुत्र उनको, ऐसा पुत्र जो पिता की बात माने वो प्रिय होता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो पुत्र पिता को फ्लैटर कर रहा है, चापलूसी कर रहा है इसलिए प्रिय नहीं, इसलिए क्योंकि पिता को पता है अगर उसकी बात मानेगा, उसका एक्सपीरियंस ले लेगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो प्रिय भगवान इसलिए नहीं कह रहे कि वो मेरी बात मान रहा है इसलिए प्रिय है, जो मेरी बात नहीं मान रहा प्रिय नहीं है। वो भगवान के माइंड में नहीं है ऐसा, वो तो हमारे माइंड में होता है। वहां के माइंड में कि अगर मेरी बात मानेगा तो इसकी लाइफ परफेक्ट होगी। ऐसे क्राइस्ट, तो क्राइस्ट को बाइबल में आता है, क्राइस्ट को एक बार बुलाया किसी ने, तो जो क्राइस्ट की जो आंटी थी उनके उनके बच्चे की डेथ हो गई, ही डाइड। तो उनकी आंटी को पता था कि क्राइस्ट बहुत पावरफुल है, वो मरे को भी जिंदा ले आते, मगर वो उस टाइम थे नहीं। तो फिर उन्होंने मर गए तो उन्होंने एक गुफा में, तो वहां पे क्रिश्चियनिटी में जलाते नहीं पता है ना, कब्र बना देते। सो उन्होंने, और पहले कब्र भी नहीं बनती थी, पहले गुफाओं में बंद करके वो रख देते थे स्टोन बांध बूंद के, पट्टी बांध के, सब बांध के फिर अंदर रख देते थे, बस गुफा बंद कर देते थे। तो उसको अंदर रख दिया, 3 दिन तक पड़ा रहा वो, मर गया 3 दिन तक और पड़ा रहा। तो 3 दिन में तो बॉडी सड़ने भी लगती है ना, सो स्टोन बनता। तो क्राइस्ट आ गया वहां, उसके आंटी ने कहा कि आप प्लीज उसको बचाइए। तो क्राइस्ट ने कहा ठीक है मैं बचाऊंगा, मगर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तो उसकी आंटी ने कहा कि मैं ये नहीं सोचती कि तुम मेरे नेफ्यू हो, मैं सोचती हूँ कि तुम भगवान के मैसेंजर हो। तो क्राइस्ट ने कहा ठीक है तो मैं बचाऊंगा, तुम्हें फेथ है मुझ पर। नहीं फेथ, फेथ आ गया ना, फेथ की बात आ गई। सो वो गए, उसकी आंटी गई और आंटी क्राइस्ट को लेके गए। तो क्राइस्ट ने वहां खड़े हुआ और बाइबल में रिकॉर्डेड है, क्राइस्ट ने बोला, प्रे की भगवान से कि भगवान आपने बोला है, आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर कोई मुझ पे फेथ रखेगा तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे प्रे करता हूं कि ये व्यक्ति जो मर गया है इसको आप जिंदा कर दीजिए। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, तो इसके जिंदा होने से लोगों का फेथ मुझ पे आ जाएगा, और मुझ पे फेथ आ गया तो आप उसको मुक्त कर देंगे, क्योंकि आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि जो मुझ पे फेथ करेगा उसको मैं लिबरेट कर दूंगा। सो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ये मिरेकल करके दिखाइए, मेरे लिए नहीं, इसलिए कि लोगों का फेथ मुझ पे आ जाए। और मुझ पे क्यों फेथ है? क्योंकि मैं महान हूं? नहीं, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया कि मुझ पे जो फेथ रखेगा वो लिबरेट हो जाएगा। सो उन्होंने ऐसा बोला और वो जिंदा हो गया, वो बाहर आ गया, खड़े हो गया 3 दिन बाद। सो आइडिया क्या था? सो भगवान भी ऐसे ही बोलते हैं, भगवान को पता है अगर भगवान पे हम फेथ रखेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान अपने लिए नहीं कह रहे कि मुझ पे फेथ रखो मैं महान हूं, दैट्स नॉट द आइडिया। अगर भगवान को पता है कि अगर हम प्रभुपाद जी पे फेथ रखें तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल है। प्रभुपाद ने बोला था कि जो मेरी बुक्स पढ़ेगा वो 100% कृष्ण के पास जा रहा है। प्रभुपाद ने बोला है, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है बुक्स मैंने नहीं, कृष्ण ने लिखी। मैंने बोला है, मैंने लिख रहा, कृष्ण लिख रहे हैं। सो कृष्णा ने प्रॉमिस किया प्रभुपाद को, और टूट तो सकता नहीं है। सो दैट इज भक्तास्ते अतीव मे प्रिया, इसलिए कृष्णा को वो भक्त बहुत प्रिय हैं जो ये सब फॉलो करते हैं, जो सिंसियर होते हैं, इनको नॉलेज होती है, जो भक्तों का संग लेते हैं श्रद्धा के साथ, और जो भक्ति प्रैक्टिस करके ब्लिस अनुभव करते हैं, संतुष्टि अनुभव करते हैं, वो बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पता है कि उसकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, वो भगवान के पास दोबारा से संसार छोड़ के चला जाएगा, दोबारा से शरीर में, गंदे शरीरों में, इन डेड शरीरों में। दिस वर्ड ऑफ डेड, इस संसार को द वर्ड ऑफ डेड कहते हैं। ये पूरा संसार शमशान घाटी है, ये समझ लो।
हमें लगता नहीं मगर है ऐसा ही नहीं, ये शरीर ही शमशान घाट है और क्या, मरा हुआ ही तो है, डेड ही तो है, नेल्स मतलब डेड क्या, डेड में भी डेड है, नेल्स और भी डेड है, और पूरा मैटर ही तो है। सो हम शमशान घाट में रह रहे हैं, किसी को अच्छा लगता है शमशान घाट में, भूत रहते हैं वहां, तभी तो कृष्णा कह रहे हैं सर्वभूतेषु कौन्तेय, तभी भूत कह रहे हैं, तभी जीवों को भूत कहते हैं, जीव भूत महाबाहो, भूत ही तो है, शमशान घाट में रह रहे हैं और कहा है, संसार में रहते हैं सब भूत हैं, जो वहां रहते हैं वो असली में जीव आत्माएं हैं, उनको जीव वो जीवित हैं वो। सो दैट्स व्हाट इज कृष्णास एडवाइस, लेट अस फॉलो दैट और अपने लाइफ परफेक्ट करें। और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको, आपको भैया हमें तो कुछ समझ नहीं आया, आपकी एक भी बात समझ नहीं आई, बड़े कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी है। सो एक चीज हमेशा समझ लो कि भक्तों का संग कभी मत छोड़ना, बस चाहे लड़ाई हो रही है, चाहे पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे वो गाली दे रहा है, चाहे आपको अच्छा नहीं लग रहा रहने में, बस रहते रहो भक्तों के साथ। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम भक्तों के साथ रहते हैं और रहते हुए भी नहीं रहते, ऐसा भी होता है, होता है नहीं होता है, ऐसा भी होता है मंदिरों में है, उनका मन किसी और पास है, नहीं रहते भी नहीं रहते, वो उस रूम में पड़ा होता है, वो उस रूम में पड़ा होता है, ये होता है बस। एंड दैट्स अ वेरी बैड सिचुएशन, क्योंकि आप रहते भी संग नहीं ले रहे, मतलब बिल्डिंग में हो मगर संग में नहीं हो, सो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड आइडिया। भगवत गीता का बोधयन्त परस्परम, यू शुड कम डिस्कस, तभी तो साथ में रह रहे हैं। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो भी डिफरेंसेस हैं, उसको हमें भगवान के लिए एक साइड में रख के साथ में आके डिस्कस करना चाहिए, कि देखिए बिना संख्या हम आगे नहीं बढ़ सकते, इम्पॉसिबल है, आप कितनी बुद्धि लगा लो आप नहीं बढ़ पाओगे आगे, क्योंकि बिना संख्या आप अपने दुर्गुण नहीं देख सकते, असंभव है, कोई आपको दिखाएगा तब दिखाई देगा, खुद से आप नहीं देख सकते। जैसे उदाहरण मैंने दिया था, अपनी आंख में पड़ा हुआ तिनका आप खुद नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, तो दूसरा बताएगा तेरी आंख में कुछ है दूसरा बताएगा तेरी आंख तो लाल हो रही है, मुझे पता नहीं, सो दूसरा बता सकता है आपको कि मिस्टेक है। और जब तक मिस्टेक्स नहीं हटेंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बढ़ जाओगे आप आगे, वो ब्लॉक कर देंगे आपको। और सिर्फ मिस्टेक्स की बात नहीं है, भगवान ने भी सृष्टि की है, क्यों की है, शास्त्रों में आता है, सो अकामयतः छांडोग्य उपनिषद में लिखा, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं बार 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 बार, एको बहुश्याम, सुना है प्रभुपाद कितनी बार कोट करते हैं, सो अकामयतः, सो भगवान एक थे, एको बहुश्याम, मगर उन्होंने बहुत होने की इच्छा की है नहीं, अकामयत इच्छा की कि मैं संसार बनाऊंगा, इसमें लोग आएंगे, और क्योंकि क्योंकि शास्त्रों में लिखा है एकाकी रमणम नास्ति, अकेले कभी भी रमन नहीं होता, अकेले कभी भी आप एंजॉय नहीं कर सकते, अकेले रह के शांत रह सकते हो मगर एंजॉयमेंट नहीं हो सकती है नहीं, आप पीस में बैठ सकते हो, एंजॉयमेंट के लिए आपको फ्रेंड चाहिए, कोई और चाहिए, एंजॉय नहीं कर सकते आप, संतुष्टि हो सकती है रमणम नहीं हो सकता, तुष्टि हो सकती है मगर रमती नहीं हो सकती, नहीं, बोधयन्त परस्परम कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्त च रमन्ति च, रमन्ती नहीं होगा, एंजॉयमेंट नहीं होगी, नहीं। सो इफ यू वॉन्ट एंजॉयमेंट, तो फ्रेंड चाहिए या वाइफ चाहिए या हस्बैंड चाहिए या बच्चे चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, इसलिए भगवान ने स्पिरिचुअल ये सब बनाया, डिवोटीज बनाया कि भगवान को मजा है, भगवान तो आत्माराम है ना, शांत है अपने में, मगर शांति में अगर एंजॉयमेंट नहीं है तो वो शांति खाएगी आपको, होता है नहीं होता है, हिमालय में जाके देख लो आप, चले जाओ रह लो वहां अकेले, चार दिन अच्छा लगेगा, शांति होगी, फिर पांचवें दिन वो शांति डरावनी लग जाएगी, हॉरर पिक्चर बन जाएगी, भैया सबको सन्नाटा है क्या करूं, फिर फ्रस्ट्रेट करने लगेगी। सो भगवान भी रमनम करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए इस सृष्टि करते हैं, बनाते हैं इतनी सारी चीजें, अकेले नहीं कर सकता कुछ कोई, इसलिए रास लीला करते हैं, यू नो देयर आर सो मेनी पास टाइम्स।
सो भक्तों का संग इंजॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अकेले रह के आप शांति कर सकते हो, मगर शांति थोड़े बाइट टाइम में अशांति में ले जाएगी। जब तक इंजॉयमेंट नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। नहीं सो जैसे हम कीर्तन कर रहे हैं, चाहिए ना डिवोटीज, मजा कैसे आएगा? अकेले क्या कर लोगे, क्या क्या बजा लोगे आप? या डिस्कशन कर रहे हैं भगवान के बारे में, सो उसे मजा आता है। इसलिए महाप्रभु ने भी करके दिखाया, स्वरूप दामोदर रामन रहकर डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, दैट्स आइडिया। सो डिस्कस अबाउट कृष्णा, दैट्स ऑल, कम टुगेदर, डिस्कस अबाउट कृष्णा। भगवान के बारे में डिस्कस करोगे, सारे डिफरेंसेस खत्म खत्म हो जाएंगे। ए बेस्ट टेक्निक है, कम एंड डिस्कस अबाउट कृष्णा। ओके, यू टेल, आई विल टेल, शेयर विद अदर्स कि आज मैंने पढ़ा कितना अच्छा है भगवान के बारे में, तुमने क्या पढ़ा? सो ये वैष्णव संग होता है। सो दैट्स व्हाट इज कृष्णाज एडवाइस, ऐसा भक्त बहुत मुझे प्रिय है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है? परिपास्ते से सिंसेरिटी है, यथोक्तम स्कॉलरलीनेस है, यथा उक्तम, जिस तरह मैंने बताया उस तरह ले लो। ओके, और क्या कोई क्वेश्चन है किसी का? 20वां है, आलस से हटाने का बेस्ट तरीका है, हाँ। जो एंथुजियास्टिक डिवोटी उनके संग करो, और कोई तरीका नहीं है। अवेलेबल नाम और डिवोटी तो जाके ढूंढो ये तो खुद खुद नहीं आएंगे, वो आपको जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आए हो, इसलिए आए हो ना, डिवोटीज अच्छे डिवोटी का संग मिले, सो जाना पड़ता है। वो तो कुछ चीज़ खरीदने के लिए पैसे भी तो देने पड़ते हैं, ऐसे फ्री में थोड़ा ना कुछ चीज़ मिल जाती है। और एंथुजियाज्म तो बहुत बड़ा गिफ्ट है भगवान का, फ्री में नहीं मिलता, वो तो कुछ ही लोगों को मिलता है अगर वो ढूंढते हैं तो। हर जगह नहीं मिलेगा वो, क्योंकि उत्साह मिल गया तो पहुंच गया, पहुंच गया भगवान के पास, फिर क्या रोक रहा है? तो कुछ रोक ही नहीं रहा। कौन रोक रहा है आपको? उत्साह ही तो रोक रहा है। ध्रुव महाराज को उत्साह आ गया, वो निकल गए, भगवान मिल गया उनको। सो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मतलब मैं भी पहले शुरू में था तो मैं साधुओं के बजाता था, ढूंढता था, मिलता था, और उनसे सुनते थे, हम प्लीज़ आप बताइए, हमें कुछ सिखाइए। तो सुन सुन के उनका उत्साह फिर आ गया, उनका बैठे रहते तो कुछ नहीं होता। सो यू हैव टू टेक आउट टाइम, यू हैव टू अपने शेड्यूल में आपको रखना पड़ेगा वो। दैट्स आइडिया, अपने आप नहीं होगा, एटलीस्ट हाउस होल्डर्स के लिए ना, अपने आप कहोगे भी जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम ले लेंगे, नहीं, आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूंगा। तो पहले से प्लानिंग करके, फिर जॉब वॉब का सेट करके, देन अदरवाइज नहीं होता है चीज। सो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम भी प्रीचिंग में बिजी हैं तो हम भी अपना शेड्यूल बनाते हैं कि भी यस वी हैव टू टेक एसोसिएशन, इसको नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैं अमेरिका में डेनवर में था, तो डेनवर में आई वॉज बिजी, सुबह शाम लेक्चर देना, फिर डिवोटीज आ रहे थे वहाँ पे एक डिवोटी थे, बहुत एंथुजियास्टिक थे, मतलब ही वॉज वेरी नाइस। तो मैंने अपने प्लानिंग में रखा टाइम 2 घंटे की, मैं उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, अब पूछूंगा कि कैसे हो रही भक्ति, आप कितने ऐसे कैसे हो, कितने एंथुजियास्टिक हो। सो आई फिक्स्ड अपॉइंटमेंट विद हिम एंड देन ही टुक आउट टाइम एंड वी सैट, वी टॉक्ड फॉर 2 आवर्स एंड इट वॉज सो नाइस टू टॉक। उनकी अपनी रियलाइजेशन थी, मेरे भी थी, एंड ही वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। सो वो निकालना पड़ता है टाइम, वरना तो धीरे धीरे दलदल में चले जाएंगे हम। सो डिवोटीज हैं, उसमें क्या है, अच्छे डिवोटीज, एंथुजियास्टिक डिवोटीज तो हैं ही। सो राजपुरा में भी क्या है, अचिंत्य प्रभु आगे बात कर लो, आपके फ्रेंड ही हैं वो तो। बट यू नेवर टॉक्ड विद हिम, कृष्णा कॉन्शियस थिंग, दैट्स अ पॉइंट। यानी आई डोंट थिंक सो, कभी बात की, पहले की होगी शायद, जब आप अनमैरिड हो गए, अब नहीं हो पाती ना। सो बस आपको शेड्यूल में प्लानिंग करो, क्या हुआ, ठीक है मिलते हैं, आप अपनी वाइफ को लाओ, मैं अपनी वाइफ को लाऊंगा, लेट्स मीट इन अ पार्क, मे बी इन अ होटल लोग मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। सो एंड जस्ट टॉक अबाउट कृष्णा,
क्या होगा, जरूरी थोड़ा ना है कि जब काम ही होगा तभी बात करेंगे. एंड दैट्स अ वेरी बैड साइन. जब काम होगा तभी बात करोगे तो वो प्रेम नहीं होता, वो तो बिजनेस होता है. नहीं, प्रेम मैं बता रहा था, प्रेम का लक्षण ही ये है कि बिना काम के बात करना, यही तो प्रेम है. अब बच्चे से बात करते हो बिना काम के, नहीं बच्चा आपसे बात करता है बिना काम के तो प्रेम हो जाता है. वाइफ से बात करते हो तब बात करते हो जब कोई काम होता है, नहीं. सो अपने माता पिता से कब बात करते हो, हाँ कैसे हो मम्मी, कहेंगे बेटे क्या काम है, मम्मी ऐसे ही मन कर रहा था बात करने, है नहीं, तब प्रेम होगा. आपने किसी डिवोटी को फोन किया, आपने चिंतप्रभु को फोन किया, हाँ कैसे हो चिंतप्रभु, हाँ क्या काम है प्रेम प्रभु, नहीं ऐसे ही मन कर रहा था बात करने कृष्णा का, तब उनको पता लगेगा हाँ यार प्रेम है. वरना वगैरह गए, हाँ क्या काम है, एक्चुअली ना यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है फिर एक महीने बाद फोन, नहीं ये हो गया, तो फिर तो देयर इज नो रिलेशनशिप. सो इस तरह से अपॉइंटमेंट रखो. अपॉइंटमेंट इस बेसिस पे होनी चाहिए कि कोई काम नहीं है, हमें कृष्ण के बारे में डिस्कस करना है बस, तब लव प्रेम, तब रिलेशनशिप बढ़ेगा, तब प्रेम हो जाएगा, तब तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा. देखना दुश्मन भी दोस्त बन जाता है जब उसको पता लगेगा यार इसका इसका मन क्यों कर रहा है मुझसे बात करना, वाई फॉर वॉट, क्या क्या चाहता है, कुछ नहीं चाहते. सेम जो भगवान के याद कर रहे हैं वही भक्तों के याद करना पड़ेगा. नहीं अही तो की अप्रतिहता, सेम सेम प्रिंसिपल है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं कहीं भी आता हूँ तो अच्छे जो डिवोटीज होते हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके, मतलब उनको भी बिजी होता है ना, सो उनसे बोलता हूँ आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. सो कहते हैं क्यों, एक डिवोटी थे ह्यूस्टन में, मतलब काफ़ी टाइम से, सो मुझसे मिले तो मैंने कहा कि लेट्स गो टू पार्क, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू हैव अ वॉक विद यू. सो उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा ऐसे ही बस चलना चाहता हूँ आपके साथ. उन्होंने कहा ओके नाइस, हम गए वॉक की. तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या व्हाट्स योर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में थे. मैंने कहा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, डीटी वर्शिप में एक्सपीरियंस है. सो हमने बात बात की, चैंटिंग की साथ में. सो बहुत सारे रिलेशन रियलाइजेशन शेयर हुई. नहीं जब जब ऐसे मिलते हो तो वो अपने रियलाइजेशन भी देता है. आपको काम से मिलोगे तो अपनी रियलाइजेशन भी नहीं देगा कोई, क्योंकि रियलाइजेशन अनुभव तो उसकी वेल्थ है ना, जो उसने कई सालों में कमाई है, वो क्यों दे देगा आपको ऐसे. आप काम से आ रहे हो, मैं क्यों दूं, कोई फीलिंग अच्छी नहीं है. तो अब सारा शेयर हुआ, मैंने भी शेयर किया, एनी बी केम माई गुड फ्रेंड. अभी भी गया था ह्यूस्टन, ही वॉज फ्रेंड ही बन गया वो. अगर मैं बात नहीं करता तो कुछ था ही नहीं, फिर तो शक्ल देखते हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी गायब बस. तो ये भगवान जो कह रहे हैं ना बोधयन्त परस्परम, वो करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता. बोधयन्त परस्परम, इसलिए हम साथ में बैठे हैं इस घटिया सी बिल्डिंग में, मतलब कोई ऐसी अच्छी अच्छी सुपर डुपर तो है बैठे हैं, मगर इस बिल्डिंग की सुंदरता इस बिल्डिंग से नहीं है. इस बिल्डिंग की सुंदरता है कि यहां पर भक्त बैठ के भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं. दैट्स ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग. ये कृष्ण एडवाइस कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट वी कैन डू. डिवोटीज हैं, अगर आपके प्लानिंग होगी माइंड में कि करना है तो डिवोटीज भी मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हो सकता है उनमें कुछ कमी हो, मगर जब भगवान की चर्चा होगी तो कमी का कोई रोल ही नहीं है वहां. तो कमी का तो रोल तब है ना जब मैनेजमेंट हो आए, हाँ भाई प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं दे रहे. तो भगवान की चर्चा हो रही है तो वो है ही नहीं पिक्चर में. फिर तो आप बोलो भगवान के बारे में, मैं बोलूंगा, फिर आप बोलो मैं बोलूंगा, दैट्स ऑल. या डिबेट कर लो, ठीक है हम मिलते हैं, मैं बोलूंगा 5 मिनट, आप 10 मिनट बोलना, फिर मैं 15 मिनट बोलूंगा, फिर आप 20 मिनट बोलना, देखते कौन जीतता है. सो दैट इज कथयन्तश्च माम नित्यम, उसको इंटरेस्टिंग बना देना, यही तो भक्ति है. अमृतम आनंद, धर्म को इस तरह अप्लाई करना कि वो आनंददायक बन जाए, ये भक्ति है, ये कला है, ये आर्ट सीखनी होती है. जिसने सीख ली वो निकल जाएगा और वो औरों को भी लेके निकल जाएगा. प्रभुपाद ने सीख ली थी कलाएं, भगवान ने ऐसा बना दिया. सेम सेम है, भक्ति ठाकुर यही लिख रहे हैं, आर्ट, द आर्ट ऑफ डिवोशन, ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आर्ट. सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन. नहीं ओके, लेट्स स्टॉप हियर. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय.